जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिला समाहरणालय सभागार में सर्वजन दवा सेवन 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन सह एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन करते हुए इस राउंड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि फाइलेरिया एक भयावह बीमारी है जिसके लक्षण कई साल बाद दिखाई देते हैं, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। यह बीमारी एकमात्र बचाव से ही रोकी जा सकती है। फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन करें। यदि इस अभियान में सभी अपनी सकारात्मक पहल करें तो निश्चय ही समाज में जागरूकता आएगी और बक्सर फाइलेरिया उन्मूलन में सबसे आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि समाज के लोग जब जागरूक होंगे तो यह संभव है कि पूरे राज्य में 2027 तक बक्सर जिले को सबसे पहले फाइलेरिया मुक्त घोषित किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी ने दवाओं का सेवन कर कहा कि फाइलेरिया रोधी दवाएं एल्बेंडाजोल और DEC पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने जिले के सभी लोगों से इन दवाओं का सेवन करने की अपील की। फाइलेरिया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में हाथीपाँव की बीमारी से भी संदर्भित करते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कितनी भयावह और ख़तरनाक बीमारी, और ज़्यादा खतरनाक ये इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि इसके लक्षण जो प्रिलिमिनरी होते हैं वो दिखाई भी नहीं देते। एक सामान्य बुखार और इस तरह की जो लक्षण हैं वो पता लगते हैं तो पता भी नहीं लगता है कि ये बीमारी से किसी व्यक्ति को जो है इस रोग से ग्रसित हो गया। पर जैसा हमारे चिकित्सक महोदय ने भी बताया, इस बीमारी के लिए भी कई अन्य बीमारियों के तहत जो एक नारा हम लोग लेके चलते हैं, बचाव ही उपाय है, यही सबसे कारगर इसके विरुद्ध हम लोगों का जो है मेडिकल साइंस के द्वारा आज तक के लिए शस्त्र उपजा पाया है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि दो प्रकार की जो दवाई इसमें होती है, एक DEC होती है और दूसरी एल्बेंडाजोल होती है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो ये दोनों ही गोलियाँ हैं, कुछ संवेदनशील वर्गों के अलावा जो है सभी लोगों को लेनी चाहिए और 2027 तक जो फाइलेरिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित बिहार सरकार ने किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इसका अच्छे से प्रचार प्रसार होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण एक सभी लोगों में बनेगा, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी इसके लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित और तैयार कर दिए गए हैं। सभी जो आशा कार्यकर्ताएँ हैं, ANM हैं, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगी और ये दोनों ही प्रकार की गोलियों का सेवन उन्हीं के सामने ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को करवाएँ। और हम लोग ये उम्मीद करें कि बक्सर ज़िला पूरे राज्य में एक इस में जो है नाजीर साबित करे और सबसे पहला जिला बने जिसमें फाइलेरिया का उन्मूलन हम लोग कर दें। बक्सर से चंद्रकांत निराला।